हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करियर टॉक विद सावन कुमार। और आज हम इस करियर टॉक सेशन में कुछ स्पेशल बात करने वाले हैं। ये स्पेशल है अबाउट थिंकिंग बिग। यस, बड़ा सोचो, कुछ बड़ा सोचो। क्यों बड़ा सोचो? ये बड़ा सोचना है क्या? ये बड़ी सोच क्या है? बड़ा सोचने के फायदे क्या है? बड़ा सोचने के नुकसान क्या है? हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आने वाले कुछ मिनटों में। हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सो बड़ा सोचना, थिंक बिग, बहुत लोगों से हमने सुना है, बहुत सारे लोगों से हमने सुना है, बट एग्जैक्टली ये है क्या चीज़? बड़ी सोच, थिंक बिग, लेट मी टेल यू दैट। सो हम अपनी जिंदगी के लिए या अपनी जिंदगी से कुछ कभी पूछते हैं कि आई वॉन्ट टू डू दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस फॉर माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी दैट। दैट इज वॉट वी डू, आर एम्बिशन, आर ड्रीम्स। आई वॉन्ट टू रीच टू द मून। बड़ी सोच, बड़ा सोच, बट ये बड़ी सोच है क्या? ये बिग थिंकिंग बिग कैसे बना? ये बड़ी सोच कैसे बनी? सोच तीन तरह से होती है। सो द फर्स्ट वन इज जो हम कर सकते हैं, जो हमने कई बार पहले किया है और हम आगे भी कर सकते हैं, दैट इज छोटी सोच। हमने जो कल किया है उसे वापिस से कल करना, देयर इज नथिंग ग्रेट अबाउट इट, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसमें। सो दैट इज अ पुअर थिंकिंग, स्मॉल थिंकिंग। नाउ सेकेंड लेवल पे आता है, अगर मैं थोड़ा स्ट्रेच करूं, थोड़ा, तो मैं ये कर सकता हूं। जैसे एग्जाम में मैं पिछले चार एग्जाम्स में 40% मार्क्स लाया था, नेक्स्ट एग्जाम में भी मैं 40% लाऊंगा, दैट इज छोटी सोच। नाउ नेक्स्ट एग्जाम में मैं 60, थोड़ा अगर स्ट्रेच करूंगा तो 55% 60% भी आ जाएंगे अगर मैं थोड़ी ज्यादा मेहनत करूंगा। दिस इज मीडियोकर सोच, ये मिडिल क्लास सोच। बड़ी थिंकिंग क्या है? मैं 95% लाऊंगा, मैं नेक्स्ट एग्जाम में 95% लाऊंगा, जो मैंने कभी नहीं किया, जो किसी और ने कभी नहीं किया, वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर इसका जवाब आपके पास ऑलरेडी है, कैसे करना है, कैसे करोगे आप, देन ये बड़ी सोच नहीं है। बड़ी सोच तब बड़ी सोच बनती है जब आपके पास उसका जवाब ना हो, जब किसी और ने वो चीज़ नहीं किया हो, जब आपको उसका जवाब ढूंढने के लिए लड़ना पड़े, जब उसका जवाब ढूंढने के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको बहुत 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 मेहनत करना पड़े, तब जाकर एक बड़ी सोच बनती है, तब जाकर एक बड़ा थॉट बनता है। बचपन से हमारे स्कूल्स में हमारे पेरेंट्स ने, हमारे आसपास के सभी लोगों ने हमसे ये कहा है, जब भी हमने कोशिश करी है कुछ बड़ा सोचने की, कि पापा मैं चांद पर जाऊंगा, पापा मैं चांद पर मून घर बनाऊंगा, या कुछ भी ऐसा अगर बड़ा आपने सोचा है अपनी ज़िंदगी में, तो सबसे पहले आपको आपके घर वालों ने, आपके टीचर्स ने, और या फिर आपके बड़े भैया और आपके नेबर्स ने आपको रोका है कि इतना बड़ा मत सोचो, इतना हवा में मत उड़ो, नहीं अचीव कर पाओगे, अगर गिरोगे तो कुछ नहीं बचेगा, एंड सो ऑन। ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा और किसी और ने ऐसा नहीं सोचा, ये एक नई सोच है, इसके नए तरीके होंगे, इसके नए रास्ते होंगे।